हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आ गए आज फिर सर, आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? वो इंटरनेशनल कॉल वाला आईएसडी नहीं है, ये जीएसटी वाला आईएसडी है। एसटीडी आईएसडी होता है ना, तो ये वो वाला आईएसडी नहीं है। तो ये कौन वाला आईएसडी है सर? यह है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जब भी ये वर्ड सामने आता है, थोड़ा बहुत बीपी नीचे और ऊपर हो जाता है। क्या है ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? इसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स पहले भी एक दो हिंट दे रखे हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दो तरह से हम लोग कोई भी टॉपिक सीखते हैं। पहले तो एक्ट के बारे में जानते हैं, जो है आपका सेक्शन 20 एंड 21, जो आज हम दोनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का सेशन ही हमें केवल प्रोविजंस के बारे में जानना है। इज इट क्लियर? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू मैनर्स को बताता है, तरीके को बताता है, और ये रूल नंबर 39 है, या रूल 39 कह सकते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं बेसिकली सीजीएसटी की कर रहे हैं, तो यहां पर जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो दो वर्ड खास करके सामने आएंगे, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसका मतलब हम एसजीएसटी का नाम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको डिटेलिंग बताते समय यह बता दूंगा कि एसजीएसटी कैसे यूज होगा। फिलहाल कहने का मतलब ये कि हमें जो पूरा आईएसडी के बारे में समझना है, दैट इज योर सेक्शन 20 एंड 21 एंड रूल नंबर 39। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ रूल नंबर 39, वी आर वेरी मच अनेबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द सर्विस रेसिपियंट। सर, ये क्या आप बताने जा रहे हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है? फिर से एक बार मैं बता देता हूं, पहले कभी बेसिक में बताया होगा, लेकिन फिर से मेरा काम है दोबारा बताना आपको, आज चूंकि ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मेरी हेड ऑफिस है दिल्ली, मेरा काम है गुड्स और सर्विसेज, चाहे दोनों या कोई एक, सप्लाई करना। And this is our head office, or you can say corporate office. ये Delhi office भी goods का supply करती है या services की supply करती है, but it is also to be known as head office. We have so many different branches. Either the branches are in the same state, Delhi to Delhi, or you can say the branches may be out from the Delhi. Means आपकी branches हो सकती हैं महाराष्ट्र में, हाँ या ना, आपकी ब्रांचेस हो सकती हैं राजस्थान में, पंजाब में, कहीं भी हो सकती हैं यूपी में। अगर कुछ इस तरह का केस है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बेस पूरा पढ़ लिया है कि जीएसटी हर स्टेट वाइज के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, दैट्स इट, दैट इज ओके, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। लेकिन एक जगह टेंशन आ जाती है। सर कहाँ टेंशन आती है? मान लेते हैं हमने एक कोई वेबसाइट बनवाई या कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, हो सकता है, या कोई सर्विस रिसीट की। किसने सर्विस रिसीट की? सर ये तीनों चीजें हेड ऑफिस के नाम से, जो बिलिंग आई है वो हेड ऑफिस के नाम से आई है। और भरोसा रखें कि ये वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर और ये सर्विसेज, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर टू बी यूज्ड बाय ऑल दीज different states offices as well as Delhi. हो सकता है कि Delhi भी उसको use करता हो और उन्हीं चीजों को बाकी state भी use करते हो। जब हमने इस input को लिया था, I'm just talking about input service. नाम है input service. I'm not calling it as a input. Input goods, capital input. ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने केवल एक ही word बोला है, input services. इनपुट गुड्स की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? थोड़ी देर बाद मैं इसको चीज को क्लियर कर दूंगा। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली द बिलिंग इज इन द नेम ऑफ, बिलिंग किसके नाम से है सर? बिलिंग हेड ऑफिस के नाम से है।
अब आप बताइए, अगर बिल हेड ऑफिस के नाम से बना हुआ है तो उस बिल में सीजीएसटी, एसजीएसटी या जो आईजीएसटी लिखा हुआ होगा वो, उसकी क्रेडिट कौन लेगा? सर दिल्ली लेगी, मान गए दिल्ली उसकी क्रेडिट लेगा ब्रांच। मान लो उसने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं करता है, दिल्ली का काम है केवल इन ऑफिसेज को मैनेज करना एंड द कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड एट दिल्ली, दैट्स इट। ये भी तो हो सकती है सिचुएशन कि हेड ऑफिस हमारा कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई ना करता हो, उसका काम केवल सारी ऑफिसेज को मैनेज करना हो, और अगर उसने ये सर्विसेज ली हैं तो बट ऑब्वियस है दीज सर्विसेज आर टू बी यूज्ड इक्वली बाय द अदर ऑफिसेज ऑल्सो विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या, कैसा नहीं लगता, क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको जो पूरी क्रेडिट मिल रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, या जो क्रेडिट मिलनी चाहिए इसको वो मिल नहीं पाएगी क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज तो देता ही नहीं है? सर एक्चुअली आप ना गलत बोल रहे हैं, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो आपको क्या समझ में आया? सर हमको ये समझ में आया कि दिल्ली इसको एक्चुअली यूज नहीं करेगी, इन तीनों को यूज ये लोग भी करेंगे, तो क्रेडिट अकेले ये लेने वाला कौन होता है ब्रांच या हेड ऑफिस? दिस क्रेडिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, यस और नो? और मैंने केवल इनपुट सर्विस के बारे में यानी सर्विस की बात की, गुड्स की बात नहीं की। इसका मतलब ये जो बिल इसके नाम से बना है और इसकी क्रेडिट ये अकेले नहीं ले सकता, इसकी क्रेडिट इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटर और ये है इनपुट सर्विस, तो इसको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा एज एन आईएसडी। यस सर, इसी को कहते हैं हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इस दिल्ली हेड ऑफिस इसको हम नाम देंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इज इट क्लियर? यानी इसके पास जो जो बिलिंग्स आएंगी अगर उसकी दूसरी ब्रांचेस या ऑफिसेज उसका यूज कर रहे हैं तो इसको उसकी क्रेडिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इसकी क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, अब आप इसमें टैक्स प्लानिंग शुरू कर देंगे या टैक्स इवेजन स्टार्ट कर देंगे। आप क्या कहेंगे, मान लेते हैं बहुत ज्यादा सेल हुई महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट में सेल ना के बराबर हुई। अब ना के बराबर हुई तो जितना इनपुट सर्विस पर क्रेडिट बनता है वो बाकी लोग अवेल नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी ने क्या दिखा दिया, हेड ऑफिस ने दिखा दिया कि सारी सेल जो सारा का सारा बिजनेस है ना महाराष्ट्र में, बाकी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो सारी की सारी क्रेडिट यहाँ दे देते हैं, यहाँ अनअवेल्ड क्रेडिट है तो चलो बाकी जो अनअवेल्ड रह गया है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। एवन दो द सेम थिंग इज टू बी यूज इक्वली बाय ऑल दीज फोर ब्रांचेस, तो आप क्या चारों में बराबर बराबर बांट देंगे? कैसे पता चलेगा कि कोई इनपुट सर्विस कितने हद तक यूज हो रही है, चाहे कोई भी सर्विस हो, सब में बराबर बराबर बांट दें, इसकी सेल 1 करोड़, इसकी सेल 5 लाख, इसकी सेल 1 लाख, इसकी सेल 20 लाख, सब में बराबर बराबर बांट दें? अरे नहीं सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप एक काम करिए, कोई बेस ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसको अगर इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बेस क्या ले लें, टर्नओवर, क्या ले लें? हाँ सर, टर्नओवर के बेसिस पर करेंगे ना तो बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टर्नओवर कौन सा टर्नओवर, अरे टर्नओवर मतलब कौन सा टर्नओवर, किस टर्नओवर को बेस लें? अरे ये साल तो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, इसका टर्नओवर तो साल के अंत में पता चलेगा, तो साल के अंत में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तो मैंने सर्विसेज लास्ट मंथ में रिसीव की, हमको तो इस महीने का इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करें, कौन सा टर्नओवर? सर पिछले साल वाला पूरे साल भर का टर्नओवर ले लीजिए। हाँ तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ले लेते हैं ना, हमें बेस चाहिए, बेबी को बेस पसंद है, तो हम बेस कौन सा ले लें, प्रीसीडिंग ईयर का, जो जस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, हम उनके चारों के टर्नओवर्स ले लेंगे, चाहे वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड जो भी सेल हो टोटल, अभी हम टर्नओवर का मीनिंग आपको समझाएंगे, तो चारों का आप टर्नओवर ले लीजिए, बात खत्म।
अच्छा, इसका लास्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इसका ले लें। अरे ये तो यूपी में ना काम इस साल स्टार्ट हुआ है। ओ ओ, मैंने क्या बोला? ओ ओ, अब हो गया लोचा। इस साल हमने इनपुट सर्विस लिया तो इस साल चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट देनी है। कैसे दे दें? पिछले साल की तीन की तो टर्नओवर है, इसकी तो है नहीं। अब फिर टर्नओवर का लोचा हो गया। तो कहा गया, अरे अगर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, सबका जिनको जिनको क्रेडिट देनी है, क्रेडिट रिसिपियंट का टर्नओवर का डेटा अगर आपके पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस साल के किसी क्वार्टर का टर्नओवर बेस ले लो। ओके, इस साल के किसी क्वार्टर का टर्नओवर बेस ले लो। और टर्नओवर कौन सा बेस लेंगे? हाँ, कैलेंडर ईयर के बेसिस पर। ढंग से सुनेंगे, इसको लॉ में देने का पर्पस क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर नंबर वन, अप्रैल, मई, जून क्वार्टर नंबर टू, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर नंबर थ्री, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर क्वार्टर नंबर फोर। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 10 जून 2017 को, मान लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसकी क्वार्टर की सेल सबकी हम ले लेते हैं मार्च, अप्रैल एंड मई की। अरे नहीं ले सकते, आधा इधर का क्वार्टर, आधा इधर का क्वार्टर नहीं यूज होगा। डिफाइन किया है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये तरीका गलत है। समझ में आई बात? सर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा या नहीं होगा? बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ नहीं होने वाला। अरे अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, पहले इसके नाम से बिलिंग आई, इसने फिर एक आईएसटी का एक क्रेडिट देने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया, कैसे बनेगा वो हम लोग रूल्स में देखेंगे। बिना डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के क्रेडिट ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जी सर जी। अच्छा, स्टार्ट करें आप कहानी अपनी। आपके पास असाइनमेंट होगा सेक्शन, पहले तो हम प्रोविजन ये देखते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है ऊपर इंट्रो में। IST is an office of the supplier of goods or services or both, जैसा कि मैंने यहां लिखा था पहले। Where a document of services attributable, where a document यानी invoice is of services only of services not of goods attributable to other locations are received. Now head office is receiving a document of those services which are to be used directly or indirectly by other branches or departments or you can say other states also. Since the services relates to other location, the corresponding credit should be transferred to such location having separate registration. Okay. As services are supplied from there, अब जिस PAN number पर ये registered है, उसी PAN number पे महाराष्ट्र का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी पैन नंबर पे राजस्थान का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी पैन नंबर पे पंजाब और यूपी का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पैन नंबर मस्ट बी द सेम। ओके, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट एन इंटर ब्रांच सप्लाई ऑफ सर्विसेज शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएसडी। कभी कभी आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन तो पहले तो निकाल दो। अगर दिल्ली ऑफिस, हेड ऑफिस कोई अपनी सर्विसेज महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या यूपी को देता है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आईएसडी, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द आईएसडी। आईएसडी मींस द हेड ऑफिस और द कॉर्पोरेट ऑफिस इज गेटिंग एनी बिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड द सर्विसेज आर टू बी यूज बाय अदर ब्रांचेज और डिपार्टमेंट विच आर लोकेटेड इधर इन सेम स्टेट और अदर स्टेट्स। इज इट क्लियर? जी सर। तो वहां पर क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ऐसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं जो हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस या अपने ऑफिसेज को देते हैं। दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज द प्लेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसी तरह अगर हम गुड्स की बात करें, हमने यहां इनपुट गुड्स नहीं लिखा, अगर कोई हेड ऑफिस कोई अपनी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करते हैं, तो आपको मालूम है
स्टॉक ट्रांसफर का केस लग जाएगा अगर दूसरे स्टेट में है तो प्रॉपर इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर इन्वॉइसिंग एंड डिलीवरी चालान के थ्रू और ईवे बिल के थ्रू जाएगा सामान, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर, वो चीजें तो हम लोगों ने देख ली हैं, तो हमें नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा सर्विस और गुड्स को लेकर। यहां पर केवल और केवल सर्विस की बात करेंगे, यहां पर गुड्स की बात नहीं होगी क्योंकि उसके लिए तो फंडा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई गुड्स हम बाहर से यहां लाते हैं और उस गुड्स को देते हैं तो उसके लिए तो नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सर्विसेज का कैसे, उसी के लिए इसको कहा गया आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जी सर, सारा का सारा मजा हम लोगों को रूल्स में आने वाला है जो सेक्शन 39 में हम लोग देखेंगे। सेक्शन 39 इनपुट टैक्स क्रेडिट से बिलोंग करता है, बहुत ही प्यारा सेक्शन है, बहुत ही मजा आने वाला है, टेक्निकल पॉइंट्स तो हैं ही उसमें। जी, केयर शुड बी टेकन हो गया। नोट दैट आईएसडी कैन नॉट बी एन ऑफिस दैट डज एनी सप्लाई ऑफ इट्स ओन बट मस्ट बी वन दैट मेयरली कलेक्ट इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज एंड इश्यूड द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने ये कई बार बोल दिया, अब दोबारा मत बोलिए। इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड इज एट न्यू दिल्ली, हैविंग इट्स बिजनेस लोकेशन ऑफ सेलिंग एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स एट सर्विसिंग ऑफ गुड्स एट न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। इफ द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड मेंटेनेंस इज यूज एट ऑल द लोकेशन, इनवॉइस इंडिकेटिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज रिसीव्ड एट कॉर्पोरेट ऑफिस, बता दिया। सीन्स द सॉफ्टवेयर इज यूज एट ऑल द फोर लोकेशंस, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एंटायर सर्विस कैन नॉट बी क्लेम्ड एट न्यू दिल्ली। यस, इधर देखें, द सेम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द फोर लोकेशंस, फॉर दैट रीजन द दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस हैज टू एक्ट एज एन आईएसडी टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट। नाउ दैट इज द कंपल्शन ओवर द दिल्ली टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स एज अ क्रेडिट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट क्रेडिट अमंगस्ट ऑल द फोर लोकेशंस। ओके, जनरल प्रोविजंस एंड कंडीशंस क्या हैं, अब हम प्रोविजंस पर आते हैं। अब तक तो हम आपको कहानी समझा रहे थे, अब आते हैं और कहानी में कई चीजों हम लोगों ने समझ ली, अब हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। एक बार कहानी अगर दिमाग में सेट हो गई तो सेक्शन 20 एंड 21 आर नथिंग टू डू मोर देन दैट, जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया दैट इज मोर देन। ओके, द आईएसडी शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स एज सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एज IGST एंड CGST। अगर हम CGST, मैंने शुरू में ही बता दिया था ये कि अगर हम CGST की बात करें तो इसको हम CGST की तरह यूज कर सकते हैं या IGST की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम IGST की बात करते हैं तो इसको हम, अगर इनपुट टैक्स मेरा ये है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किस तरह से ले सकते हैं वो बता रहा है। इनपुट टैक्स अगर CGST के नाम से तो यहां तो उसका यूज आप CGST में करेंगे या IGST में करेंगे, और अगर IGST की इनपुट टैक्स है तो उसका यूज सबसे पहले IGST में करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो CGST में करेंगे, हाँ या ना। और तो और अगर SGST है, मैंने कहा था यहां पर नाम नहीं लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं उसको रेफरेंस में दे दूंगा, तो मैं यहां रेफरेंस ही दे रहा हूं, इसका यूज इसमें नहीं है क्योंकि हम लोग CGST पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ना कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ध्यान देंगे इसको, लेकिन हाँ मैं यहां पर इसमें बता दे रहा हूं। तो SGST को एज एन SGST यूज करेंगे, अदरवाइज IGST यूज करेंगे। IGST को सबसे पहले IGST यूज करेंगे, बाद में CGST, अदरवाइज उसके बाद SGST। इज इट क्लियर ना? जी सर, बात करते हैं आगे। द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसी, अच्छा सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 इज ओवर, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ढंग से सुनेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया और सारा का सारा यही है, कंडीशंस हैं ये, और कंडीशंस में कंडीशन तो बता दी लेकिन मैनर हमको सेक्शन रूल नंबर 39 बताएगा, ध्यान देंगे। रूल नंबर 39 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा आपने सेक्शन 40 रूल नंबर 42 43 आप लोगों ने देखा, बिना किसी फॉर्मूले को मगअप किए हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, बिना किसी टेंशन के कवर कर लिए थे। इन द सेम वे रूल नंबर 39 को भी हम लोग देखेंगे। जी, द आईएसडी में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट। मैंने कहा ना ये बिना किसी डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंटेशंस आर नेसेसरी, अपनी मनमौजी नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 2 ढंग से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा मैं वहां पर अपने आपको पॉज करूंगा। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा
जितना इनपुट टैक्स आया, अगर इनपुट टैक्स बिलिंग में 10,000 का टैक्स लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन 12,000 का कर सकते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कर लेंगे। अगर 10,000 की इसके पास बिलिंग आई है सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहाँ आईजीएसटी के नाम से, तो 10,000 से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। सर ये ना भी बोलते तो भी हमें मालूम था, अरे दे दिया ना। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन आईएसटी इनपुट सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू अ रिसिपिएंट। अब ढंग से सुनेंगे, मैं सी डी और ई तीनों को एक साथ में बता रहा हूं, और जहां मैं अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूं कर लें। सी में लिखा है अ रिसिपिएंट, डी में लिखा है मोर देन वन रिसिपिएंट, ये कीवर्ड्स हैं। सी में लिखा है अ रिसिपिएंट, केवल एक रिसिपिएंट है। डी में लिखा है मोर देन वन रिसिपिएंट, चार में से दो या चार में से तीन, नॉट ऑल। ई में लिखा है ऑल रिसिपिएंट, तीनों में फर्क, तीनों पॉइंट्स में फर्क समझेंगे सी डी एंड ई में। सी में लिखा है अ रिसिपिएंट, डी में लिखा है मोर देन वन रेसिपियंट बट नॉट ऑल, ई में लिखा है ऑल द रेसिपियंट। इज इट क्लियर? सी की बात करते हैं, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल। अब क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड जो इस पर टैक्स पे किया गया है उसके क्रेडिट की बात हो रही है। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपियंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दिस दैट रेसिपियंट। मान लेते हैं ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल इस हेड ऑफिस ने महाराष्ट्र के लिए तैयार किया है, स्पेसिफिकली ओनली फॉर महाराष्ट्र। इट मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाई दिल्ली ऑफिस इन द नेम ऑफ द महाराष्ट्र एंड द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रांच और ऑफिस। इज इट क्लियर? हाँ भाई, अगर महाराष्ट्र से स्पेसिफिक रिलेटेड है तो स्पेसिफिकली उसी ऑफिस को हम क्रेडिट देंगे। ये क्रेडिट रिसिपिएंट स्पेसिफिक होगा, बाकी लोगों को उसका क्रेडिट कैसे दे देंगे? इसके लिए ये अधिकारी है तो इनको इसका क्रेडिट क्यों देंगे? मनमौर्जी चलेगी? नहीं सर, मनमौर्जी नहीं चलेगी, वो केवल महाराष्ट्र का महाराष्ट्र को देंगे। अगर दिल्ली वाले को मालूम है या क्लियरली बिलिंग इस तरह से है कि ये जो सॉफ्टवेयर या सर्विसेज हैं That is specifically billed to Delhi office and those services are specifically given to a particular office, particular one office, then the entire credit must be attributed to that particular office. Is it clear? जी सर। अब आप ना एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप ना डी में? ये बोलेंगे अगर एक से अधिक है तो जितने लोगों को मिलना चाहिए उतने लोगों को मिलना चाहिए और उसका बेसिस हम लोग टर्नओवर को ले लेंगे। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने सही समझ लिया। तो हम लोग उसका बेसिक टर्नओवर को ले लेंगे, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अवेलेबल ना हो तो क्वार्टर का टर्नओवर ले लेंगे। हाँ, आपने तो और ज्यादा समझ लिया। ये है डी पॉइंट, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच रिसिपिएंट टू हुम द इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल एंड सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रोरेटा, शैल बी प्रोरेटा यानी कि आनुपातिक प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ द टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन अ यूनियन टेरिटरी ऑफ सच रेसिपिएंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड to the aggregate of the turnover of all such recipient to whom such input service is attributed and which is are operational in the current year during the said relevant period। फिलहाल हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताने जा रहे, confuse नहीं करने जा रहे। जब हम लोग manner यानी section rule number 39 पढ़ेंगे तो उस समय आपको अपने आप ये समझ में आएगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। Is it clear? Now the same language is to be used in point number E। लेकिन ऑल द रेसिपियंट लिखा है, अगर ऑल द रेसिपियंट है क्रेडिट रेसिपियंट सारे के सारे लोग हैं तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब में एट्रीब्यूट किया जाएगा। किस बेसिस पर? टर्नओवर के बेसिस पर। सर एक्सप्लेनेशन हो गया हम लोग का, सेक्शन 2021 इज ओवर, खत्म हो गया, बस इतना पढ़ना था। सर इसमें कुछ था? नहीं सर, कुछ था ही नहीं, फालतू का प्रोविजन था, जो कुछ है इसी में ही है, सारा माथा पच्ची इसी में ही करना है और सारा का सारा काम भी इसी रूल्स के बेसिस पर होना है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन। रेलिवेंट पीरियड शैल बी If the recipient of credit have turnover in their state in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed to the said financial year preceding financial year, if some or all recipient of the credit do not have any turnover in their states, अगर किसी पिछले साल में कोई turnover available नहीं है तो कहा गया
द लास्ट क्वार्टर फॉर विच डिटेल्स ऑफ सच टर्नओवर ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स आर अवेलेबल. तो ऐसा क्वार्टर आप पकड़ लें जिसमें सारे के सारे स्टेट्स का टर्नओवर अवेलेबल हो, और वो क्वार्टर कौन सा होगा? कैलेंडर ईयर के बेसिस पर मैंने सबसे नीचे लिख दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के हिसाब से क्वार्टर का मतलब क्या है इस एक्ट में. शैल मीन अ पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्सेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स एंड एंडिंग ऑन लास्ट डे ऑफ मार्च जून सेप्टेंबर एंड दिसंबर जो खत्म हो रहा है ऑफ अ कैलेंडर ईयर. क्लियर है? टर्नओवर का मतलब क्या है देखेंगे. फिलहाल इसमें टैक्सेबल एज वेल एज नॉट टैक्सेबल टर्नओवर दोनों को शामिल किया जाएगा. सेक्शन 21 भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, आप लोग कर चुके हैं लेकिन बोलना है, बोल करके इस सेक्शन को हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं. वेयर द आईएसटी डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट एंड कंट्रावेंशन. अच्छा, अगर हमने रूल्स के या प्रोविजंस के खिलाफ कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किसी ब्रांच को ज्यादा या कम कर दिया है, तो वहां पर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 एप्लीकेबल होगा, यानी डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. जी सर, सेक्शन 73 एंड 74 में डिमांड एंड रिकवरी के ही प्रोविजन दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे डिमांड एंड रिकवरी क्या होता है, वो तो बात की बात है. लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं भी प्रोविजन या कानून का उल्लंघन करने पर आपसे डिमांड या रिकवरीज के प्रोविजन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 एप्लीकेबल हो जाएगा. शॉर्ट पेड, एररलेसली पेड, इस तरह के सारे प्रोविजन सेक्शन 73 एंड 74 में दिए हुए हैं, वो बाद की बात है. दैट सेड, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोविजंस रिलेटिंग टू आईएसडी. इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन, यू नो वेरी वेल दैट विल डिस्कस ऑल अबाउट रूल नंबर 39 इन डिटेल्स. एंड यस, आपको माइंड सेट करके बैठना होगा, एक घंटा कम से कम, एक से सवा घंटा, डेढ़ घंटा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल यानी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए कि हाउ टू एट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स एज अ क्रेडिट टू ऑल द क्रेडिट रेसिपिएंट. इज इट क्लियर? और डॉक्यूमेंट किस तरह से इश्यू करेंगे वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.